हेलो फ्रेंड, मैं फातिमा रंगरेज। आज मैं आपके लिए कीमे के समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमने यहाँ 1.5 किलो कीमा, बीफ का कीमा लिया है। हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रखे, हम इसे फ्रोज़न करेंगे, इसलिए हमने ज़्यादा कीमा लिया है। आप कम भी ले सकते हैं। यहाँ हमने समोसे की पट्टी ली है, जो मार्केट में रेडीमेड आसानी से अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ हमने कोरिएंडर और मिंट लिया है बहुत सारा, क्योंकि इसमें इसका फ्लेवर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमने 5 बड़े प्याज लिए, क्योंकि हमारी कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हमने ये प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा ली है। यहाँ हमने कम से कम 100 ग्राम के आसपास ग्रीन चिली को हमने चॉप किया है। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला बादशाह का, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक लिया है। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। यहाँ हमने 2 बड़े टेबल स्पून हमने यहाँ पर कोरिएंडर सीड्स लिया है, और यहाँ 1 हमने क्यूमिन सीड्स लिया है। यहाँ हमने टर्मरिक हम थोड़े से कीमे को बॉइल करने में लेंगे, और यहाँ हमने इसको आटे के अंदर हमने पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लिया, जिससे हम समोसे चिपकाने में हम इसको पर पट्टी को चिपकाएंगे। अब सबसे पहले हम फ्रेंड क्या करेंगे, हमने जो ये कीमा लिया है, हम इस कीमे को इसके अंदर कढ़ी के अंदर हम इस कीमे को डाल देंगे, और इसे हम 2 मिनट के लिए बॉयल होने रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसके अंदर कीमा डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर हमने हल्दी डाली है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका पानी कीमे का छूट जाए थोड़ा, अच्छी तरह से कीमा हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा कीमे का पानी सूख चुका है। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, ओनली 2 टेबल स्पून। फिर हमने जो ऑनियन लिए है, वो हम इसके अंदर ऑनियन ऐड कर देंगे। ये हमने जो ग्रीन चिली ली, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ हमने जो कोरिएंडर और क्यूमिन सीड्स लिया है, वो भी ऐड करेंगे। यहाँ हमने जो ड्राई मसाले लिए, लाल मिर्ची, गरम मसाला और नमक, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम जब तक इसको पकाएंगे, जब तक हमारा प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब हमारे प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर कोरिएंडर और मिंट डालेंगे। आप यहाँ इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए, फिर आप नमक और मिर्ची आपके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, कीमे का पानी भी बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने धनिया पुदीना लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत से लोग कच्चे कीमे के कीमा बनाते हैं, कच्चे कीमे के अंदर ये सब प्याज, हरी मिर्ची सब डाल के बनाते हैं, लेकिन हमें वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसमें कीमे की स्मेल आती है। अब 2 मिनट की मेहनत लगी आपको, इसलिए आप इस स्टेप से बनाइए, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे, फिर हम इसे समोसे के अंदर फिल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने प्लेट में निकाल दिया है, पर आप देखिएगा अभी ये मसाला गर्म है, क्योंकि हमने अभी आपके सामने इसे बनाया है, इसलिए हम गर्म गर्म आपको फील करके दिखा रहे हैं। लेकिन आप घर में से अच्छी तरह से आप ठंडे करिएगा, उसके बाद में आप इसके अंदर भरिएगा। अब हम सबसे पहले ये पट्टी को हम ऐसे लेंगे, तो उसके अंदर हम ये थोड़ा सा मसाला रखेंगे। ये भी बहुत गर्म है, ये स्टेप्स आप इसको लीजिए, फिर आप उसको इस तरह से आप इसको एक टर्न करिए, फिर इस तरह से आप इसको दूसरा टर्न करिए, फिर जो मसाला है ये आप इसके अंदर इसको प्रेस करिए, और इस पट्टी को आप ऐसे लीजिए, और फिर जो हमने यहाँ पर आटे का जो बैटर लिया था, वो बैटर आप इस पर थोड़ा सा आप लगाइए, और फिर आप इसको इस तरह से पैक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड, हम आपको एक और भर के बताते हैं। इस तरह से आप समोसे की पट्टी को लीजिए, इसमें आप ऐसे बैटर रखिए, फिर आप इसे एक फोल्ड ऐसे दीजिए, फिर एक फोल्ड आप इसको ऐसे दीजिए, फिर ये मसाला आप हाथ से ऐसे प्रेस कर दीजिए, फिर इसको आप इस तरह से टर्न करिए, फिर जो अपना बैटर है इसको आप लगाइए, और ये आप सरस आपका समोसा रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, हम इसी तरह से हमारे सारे समोसे हम भर लेंगे, फिर हम इसे फ्रीज में 1.5 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने हमारे सारे समोसों को भर लिया था, और हमने इसे हमने फ्रीजर में रख दिया था 1.5 घंटे के लिए। अब देखिए कितने कड़क हो चुके हैं। अब आप जब भी आपको फ्राई करना हो, आप इसे समोसे को निकालिए, तेल गरम करिए, और आप इसे फ्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।